अफतारी में बहुत शौक से खाए जाने वाले हरे मसाले से बने हुए काठियावाड़ी चने बनकर तैयार हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू रमजान स्पेशल रेसिपी वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए अफतार में बहुत शौक से खाए जाने वाले काठियावाड़ी चनों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चने बहुत मजेदार बनते हैं, आप लोगों ने अक्सर ठेलों पे और बाजारों में खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको अपने स्टाइल में घर में बनाना बताऊंगी। और जब आप मेरी बताई हुई रेसिपी से ये चने बनाएंगे तो घर वाले आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। तो चलिए अज्जा की तरफ बढ़ते हैं। काठियावाड़ी चने बनाने के लिए मैंने आधा किलो चने लिए थे, रात भर भिगोकर उन्हें नमक डालकर मैंने बॉईल कर लिया है और चने अलग कर लिए हैं और पानी मैंने अलग निकाल के रख लिया है। ये 2 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला है जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, मेरी आपको चैनल में मिल जाएगा। ये नमक है हस्बे जरूरत, जितना आपको खाना हो उतना नमक ले लीजिए। इसके अलावा मैंने एक बड़ा टमाटर लेकर उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, हरा धनिया लिया था आधी गड्डी, एक हरी मिर्च लेकर उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, एक प्याज ली थी दरमियानी उसे मैंने स्लाइस में काट लिया है, और ये मैंने आधी गड्डी हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें लेकर चटनी बना ली है उसकी, और 2 चम्मच है इसमें कॉर्नफ्लोर। ये सब मिक्स करके एक मजेदार से काठियावाड़ी चने तैयार किए जाएंगे। वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिए। तो काठियावाड़ी चने बनाने के लिए मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने वो पानी ऐड किया है जिसमें मैंने चने उबाले थे। चने उबालने के लिए मैंने सिर्फ नमक और सोडा डाला था, नमक थोड़ा कम डाला था, तो 2 गिलास मैंने वो पानी ले लिया। अब मैं इसमें ये उबले हुए चने ऐड करूंगी और ये जो मैंने मसाले लिए थे नमक और चाट मसाला ये ऐड कर दूंगी और अब ये चटनी ऐड कर दूंगी और अब इसे बॉईल आने तक पकाऊंगी, फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो तमाम चीजें मैंने अच्छे से देखिए मिक्स कर लिया है। इसका कलर देखिए कितने खूबसूरत सा कलर आया है। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मैंने इसे देखें 2 से 3 मिनट बॉईल आने तक पकाया है ताकि तमाम मसाले और चने जो हैं वो एक जैसे हो जाएं। जो कॉर्नफ्लोर मैंने आपको बताया था मैंने उसे पानी में हल कर लिया है और अब ये मैं कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करूंगी। ये बहुत मजे के बनते हैं, थोड़े आपको डिफरेंट दिख रहे होंगे, ये कलर आपको डिफरेंट दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चटनी ऐड की है, ठीक है। इसलिए आपने बाजार में खाए हैं वो येलो होते हैं, मैं ग्रीन चटनी के बनाती हूँ। इस रमजान मेरी रेसिपी से बनाइएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए ये कॉर्नफ्लोर डाल के मैंने इसको इतना थिक कर लिया है। अब मैं इसमें एक ऐसी चीज डालूंगी जो सिर्फ मैं डालती हूँ, आप बाजार में खाते हैं आपको कभी नजर नहीं आते, लेकिन मेरे फेवरेट है तो मैं इसमें वो चीज जरूर डालती हूँ और आपको मैं शुरू में बताना भूल गई थी। ये आलू मैंने नमक डालकर और उबाल लिए थे, अब मैं इसमें ये ऐड करूंगी। जी देखिए बिल्कुल डिफरेंट है ना बाजार से, क्योंकि ये मेरे स्टाइल के और मेरे स्टाइल के जब आप बनाएंगे तो घर वाले और आप खुद मेरी तारीफ भी करेंगे और घर वाले आपकी तारीफ करेंगे। बस हमने इसे 2 मिनट पकाना है आलू डाल के, फिर हम चूल्हा बंद करेंगे और हमारे मजेदार से काठियावाड़ी चने तैयार हो जाएंगे। मैंने मैक्सिमम 1 से 2 मिनट इसको आलू डाल के पकाया है, ये देखें ये ऐसे तैयार हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे आके हम फ्लेम बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ये जो मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च और हरा धनिया लिया था ये ऐड करूंगी। अब बताइए कि आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी क्यों नहीं पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये अब तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसे डिश में निकालकर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए चने मैंने अपने जो हैं वो मैंने डिश में निकाल लिए हैं पापड़ी से और मैंने चाट मसाला हरा धनिया इससे मैंने गार्निश कर लिया है। बहुत मजे के लग रहे हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस और मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।